नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज युग। मैं मिताली सोनी। बालोतरा में महिला एवं बाल विकास संयुक्त संघ द्वारा उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में आशा सहयोगिनी के मानदेय बढ़ाने की मांग की गई। सैकड़ों की संख्या में जसोल, पचपदरा, बालोतरा की सभी आशाओं ने ज्ञापन सौंपा और मानदेय बढ़ाने की मांग की। सर, मैं बालोतरा से हूँ, जिला बाड़ में, नाम सुनीता है। मैं बालोतरा अध्यक्ष हूँ, बनी हुई हूँ। मैं हमारी सिर्फ यही मांग है, जो हमारा पीएम साहब ने जो अभी बजट में मानदेय बढ़ाया है, उसमें सिर्फ कार्यकर्ता और सहायिकाओं को ही बढ़ाया है। इसमें आशा सहयोगिनी के साथ बिल्कुल सौतेला व्यवहार किया है। और हम ये चाहते हैं कि जब हमारे को ज़्यादा काम दिया जाता है तो हमारा उसी हिसाब से हमारा पैसा भी होना चाहिए। सर, हमारा पैसा बहुत कम है और हमारा काम सबसे ज़्यादा दिया हुआ है। पचपदरा से, जिला बाढ़ में, ब्लॉक बालोतरा, और मैं पचपदरा हरिजन बस्ती में काम करती हूँ। हम 2004 में लगे थे 500 रुपये में, जब वसुंधरा जी ने लगाया था 500 रुपये में, तो कम से कम 2019 चल रहा है। हमारा हर साल महीने हर साल हजार रुपये बढ़ाया जाए तो भी 15 साल हो गए हमको, तो कम से कम 15,000 रुपये के तो हम मानते हैं। इतना काम करवाते हैं, कभी तो बोलते हैं टाका में दवाई डालो, कभी बोलते हैं पोलियो की, पोलियो के कम से कम 100 रुपये मिलते, बाकी काम के तो पैसे नहीं मिलते ना। तो काम एरिया छोटा है, किसी के तो 500, किसी के तो 500 ही जनसंख्या है, किसी के 1,000 जनसंख्या, किसी की 3,000, तो सबको थोड़ी ना 5,000 या 10,000 मिलते, किसी के 2,000, किसी के 2,500, किसी के 1,500। और सही टाइम पर वो प्राइवेट डिलीवरी वगैरह प्राइवेट हॉस्पिटल में हो जाती है तो उसका पैसा मिलता ही नहीं है। जानकारी व खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज युग। नमस्कार।